वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमने मीन मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। ये डाटा है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पर अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, हम यहाँ पर लिख लेते हैं अरेंज द गिवन डाटा, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, लिंक ऑर्डर, ऑर्डर। अब क्या कर लेना है, हमने इस जो डाटा को है, डाटा की सारी वैल्यूज को हमने अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटी वैल्यूज, फिर बड़ी बड़ी, फिर बड़ी की तरफ जाना, छोटी सी बड़ी वैल्यूज की तरफ। तो इसको जो है हम अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले जीरो सबसे छोटा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं जीरो। उसके बाद वन, यहाँ पर नहीं है, टू है, यस टू वन टाइम ही है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर थ्री है, एक ही दफ़ा है, फोर, फोर भी एक ही दफ़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, फाइव है, सिक्स भी है, सेवन नहीं है, एट थ्री टाइम्स है तो एट लिख लेते हैं थ्री टाइम्स, नाइन भी नहीं है और टेन है हमारे पास। तो टोटल इधर कितनी वैल्यूज है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। जैसा हमने पूरी वैल्यूज लिख ली हैं, अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, मीन, अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट करना हो। मीन फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ पर पहले वन हेडिंग नंबर वन लिख देते हैं कि हमने मीन फाइंड आउट करना है। मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज में क्या आ जाएगा, ये सारी जो वैल्यूज हैं इनको हम लोगों ने क्या लिख लेना है एज ए सम, और नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको प्लस करवा देना। नंबर ऑफ वैल्यूज़ का क्या मतलब है, ये कितनी वैल्यूज़ हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन वैल्यूज़ हैं तो हमने यहाँ पर टेन लिख देना है। सबको प्लस करके हमारे पास क्या आता है, सबको प्लस करने के बाद हमारे पास आता है 54। हम यहाँ पर 54 लिख लेते हैं, यहाँ पर 10 है तो 10 लिख देते हैं। 54 को 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5.4। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो है मीन क्या आ गया, 5.4। मीडियन जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले ये सारा जो है डाटा यहाँ पर लिख लेते हैं, ज़ीरो टू ये जो अरेंज हुआ हुआ है इसी को लिख लेते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स एट 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 टेन लिख लिया। अब ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन है, अगर तो इवन हो तो फिर हम क्या करते हैं, टू वैल्यूज़ हमारे पास बचती हैं जैसे मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, और फिर उनको प्लस करके डिवाइड कर देते हैं टू से। अगर नंबर वैल्यूज़ ओड हों तो फिर ये होता है एक वैल्यू बचती है तो वही मीडियन होता है। अब यहाँ पर देखिए टू वैल्यूज़ यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई, फिर यहाँ से हो गई एक वैल्यू, यहाँ से भी एक और वैल्यू हो गई, फिर एक और वैल्यू यहाँ से भी ले लेते हैं, एक वैल्यू यहाँ से भी ले लेते हैं, फोर वैल्यूज़ यहाँ से निकल गई, फोर वैल्यूज़ यहाँ से निकल गई, वन टू थ्री फोर ये यहाँ तक, ये दो वैल्यूज़ बच गई। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखें कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर द टोटल, अगर यहाँ पर 10 वैल्यूज़ की बजाय 9 वैल्यूज़ होती तो फिर क्या होना था, फिर ये देखें यहाँ से ये सारी निकल जानी थी, फॉर एग्जांपल ये ना होती है या ये ना होती, चलें ये ना होती तो ये 6 रह जाना था, तो यही मीडियन होना था क्योंकि एक वैल्यू थी, तो हमने क्या देना था, ये मीडियन है हमारे पास 6। लेकिन यहाँ पर अब इवन है नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज 10। सो जो है हमारे पास ये कितने नंबर पर है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव एंड सिक्स, फाइव एंड सिक्स नंबर पर जो है हमारे पास फाइव और सिक्स टर्म हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, वो मिडल वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड करवाएंगे। यहाँ पर तो फाइव और सिक्स जो है टर्म है और वो है भी फाइव सिक्स। यहाँ पर देखें कि जब ये हुआ कि ये दोनों थी रह गई ये वाली वैल्यूज़, तो फिर इसमें वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव और सिक्स जो है टर्म वो कौन कौन सी है, 75 और फिर 78 है। ठीक है, फाइव और सिक्स टर्म हमारे पास कौन सी है, फाइव वाली टर्म 75 है, सिक्स वाली टर्म 78 है, तो फिर हमने उसको ऐड करना है। और यहाँ पर जो है हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सो ये फिफ्थ, इधर फिफ्थ एंड सिक्स टर्म पे फिफ्थ एंड फाइव एंड सिक्स ही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सो फिफ्थ एंड सिक्स टर्म्स
आर मिडल वैल्यूज ऑफ द टर्म, मिडल वैल्यूज ऑफ द टर्म, वैल्यूज ऑफ डेटा भी यहाँ पर लिख ही लेते हैं, ऑफ डेटा यहाँ पर जगह नहीं, ठीक है ये डेटा है। अच्छा उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि हमने कौन कौन सी टर्म को ऐड करवाना है, फिफ्थ एंड सिक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म डिवाइडेड बाय टू। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास कौन सी टर्म है, फाइव फी है, और सिक्स नंबर पे हमारे पास कौन सी टर्म है, सिक्स ही है, और डिवाइड कर देंगे टू से। फाइव और सिक्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एलेवन, एलेवन को टू से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5.5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5.5। और अब रह गया मोड फाइंड आउट करने वाला, तो हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं थ्री की। और मोड फाइंड आउट करना है तो मोड क्या होता है, जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार कोई वैल्यू रिपीट हो रही होती है, अकर हो रही होती है, तो उसको हम उसका मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखें तो हमारे पास एट थ्री टाइम्स आ रहा है, उसके अलावा सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक एक दफ़ा आ रही हैं, एट जो है वो थ्री टाइम्स आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मोड हमारे पास क्या है, एट है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं द मोस्ट अकर्ड वैल्यू इज़ एट, तो हमने यहाँ पर लिख लिया द मोस्ट अकर वैल्यू इज़ एट, एट थ्री टाइम्स है, मैंने ब्रैकेट में थ्री टाइम्स लिख लिया, सो मोड क्या है, एट है। और अगर कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो हमने कह देना नो मोड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सारी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा ही आ रही हैं, एट ही तीन दफ़ा आ रहा है, तो अगर एट एक दफ़ा आ रहा होता बस, तो हमने कह देना था नो मोड, क्योंकि कोई वैल्यू और रिपीट होनी नहीं थी। ओके समझ आया। और अगर जैसे एट थ्री टाइम्स है, इसी तरह फाइव थ्री टाइम्स होता, तो फाइव और एट दोनों मोड होने थे। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके पास अब कोई भी वैल्यूज़ आ जाती हैं, डाटा कोई भी गिवन हो उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाएं, तो आप इजीली उसका जो है मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन भी एंड मोड भी। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।